मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। आज पापा का समाधि दिवस है। इस दिन मुझे बहुत रोना आता है कि पापा को हम देख नहीं सकते। काश हम भी उस टाइम होते जब बाबा शिरडी में थे, हम बाबा के साथ शिरडी में होते, बाबा से बातें करते, बाबा की मस्जिद की सफाई करते, बाबा को खाना खिलाते। माँ लक्ष्मी और माँ भायो जी कितनी सौभाग्यशाली हैं जो बाबा के लिए खाना लेकर आते थे। चल, बाबा निराकार रूप में नहीं है, पर आज भी साकार रूप में बाबा हमारे आसपास है। मैं तो बाबा को हर क्षण महसूस करती हूँ कि बाबा मेरे साथ हैं। बाबा मुझे भी अपने एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। अगर मैंने बाबा को प्यार किया है तो बाबा भी मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते हैं। जब भी मेरे अंदर कोई बुरी भावना आने लगती है तो बाबा मुझे खबरदार करने लग जाते हैं कि मेरी बच्ची तू क्या कर रही है, और फिर मैं संभल जाती हूँ। सच बाबा मेरा कितना ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। बाबा ने अपने बच्चे को इतना पवित्र कर दिया ना, इतना पवित्र कर। बाबा आपका शुक्रिया। बाबा आप मेरी ज़िंदगी में आए, बाबा आप मेरा सब कुछ हो। बाबा हमें साईं भक्त तो बाबा का जो पूजा पाठ है खाली किताबों तक सीमित नहीं करना चाहिए। बाबा को हमें अपने माँ बाप एक अपने घर का मेम्बर बनाना चाहिए। पापा को जो भी आप खाते हो ना, वही पापा को भोग लगाओ, कोई वहम मत करो। जैसे आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो ना, आपके माँ बाप कभी नाराज़ होते हैं कुछ भी खाने के लिए दे देते हो, पापा भी कभी नाराज़ नहीं होते। पापा तो आपके प्यार के भूखे हैं, और बाबा से सचमुच का प्यार यही है कि बाबा जो हमें कहते हैं ना, जो शिक्षा देते हैं, हम उन पर अमल करें। बाबा कहते हैं तुम किसी की निंदा मत करो, भूखों को खाना खिलाओ, जो कुत्ते ये जो प्राणी है ना, इनका भी ख्याल रखो। ये बोल नहीं सकते पर इनकी भूख भी हमारे समान है, तुम इनको भी भोजन दिया करो। आप जो भी भोजन बनाते हो बाबा को भोग लगाया करो, जरूर भोग लगाया करो। खाली एक मूर्ति बाबा के घर में स्थापना नहीं करनी चाहिए, बाबा को साक्षात विराजमान करना चाहिए। समझना चाहिए कि बाबा हमारे आस पास है, और जब आप कोई भी गलतियाँ कर रहे होते हो तो आप ये देखा करो कि बाबा हमें देख रहे हैं, और पापा का दिल कितना दुख रहा होगा। तो आप पापा को ये कहा करो कि बाबा मेरे से जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हो जाती है तो पापा मुझे माफ़ करना, पर आप मुझे कभी मत छोड़ कर जाना। सच में साईं भक्तों, अगर बाबा हमारे पास है ना, तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। धन दौलत कुछ भी नहीं है, जो भक्त की खुशी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं डरती हूँ कि बाबा मेरे से ऐसा कोई काम ना हो कि आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहना, बाबा हमेशा हमारे साथ रहना। बाबा आपका मंदिर खुल गया पर मैं जा नहीं पा रही, मेरी कुछ पारिवारिक समस्या है, मेरे बेटे का बच्चा होने वाला है, मैं उनको नहीं छोड़ के जा सकती, बहुत देर उदास है। कोई बात नहीं बाबा, आप जब आप मेरे से मिलने आए, जब 7 तारीख को मंदिर खुलना था ना, उससे 2 दिन पहले मैंने सपने में देखा कि बाबा आपने सबसे पहले मुझे दर्शन दिए, जो पंडित वो खोल रहे थे आपका पर्दा, तो मैं आपके सामने थी। साईं राम बाबा आपको प्रणाम। बाबा आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही साईं बाबा।